नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है, पारा लुढ़क चुका है, फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बीड़ से ही एक किसान अपने खेत से बता रहा है कि किस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। विकास शर्मा, यहाँ गांव बीड कानवन से 4 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में, यहाँ ठंड के कारण फसल में काफ़ी नुकसान हुआ। और जो आप देख रहे हैं, जो ये लाल तुअर है, ये पूरी तरह से सूख चुकी है। ये पूरा हमारा खेत था, इसमें पूरा ख़त्म हो चुका है। और जो हमारे यहाँ मक्की वगैरह, चने और मटर में काफ़ी नुकसान हुआ, आप उधर भी देख सकते हैं, ठंड के कारण ये सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। ये जो मक्की और वगैरह ये सब आप देख सकते हो, और हमारे यहाँ पर दूसरे भी जो पेड़ पौधे थे, ठंड के कारण सब सारे पेड़ पौधे सुखा चुके हैं। आप आगे देखिए, हमने इसमें ठंड के कारण सब पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। कानवन से 4 किलोमीटर दूर गांव बीड़ में फसल में ऐसा नुकसान हुआ ठंड के कारण, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा खेत चौपट, ये फसल में भारी नुकसान, लाल तुअर, ये जो लाल तुअर के जो ये सब पूरे सूख चुके हैं। अरे बारे, बर्फ ऊपर तो देखो, यो भी कर ले, हल्के दिन से तो प्रावधान हुई है, इकट्ठे घर में देख ले, अच्छी कर ले न, बोल तो भी जा, वीडियो वही जाएगा, आया कर वीडियो, हम यू का एक्सेस ये लिखे तो को भी मार लीजिए, बर्फ सही है कि गलत है, वही क्यों तो बर्फ, बर्फ जो सामने दिख रही हो ऊपर की पूरी की कर, समय 8 बजे ये थोड़ा सा को रे ना, 8 बजे नहीं की 8 बजे की नहीं आई, नंबर भी दे दिया। हां अरे कोई सब पूरी हाल है।